साथ ही उम्मीद की जा रही थी कि देश की महिला बाल विकास मंत्री चुनावों में जाने से पहले एक प्रेस वार्ता के माध्यम से देश के सामने और खासतौर से आधी आबादी के सामने अपने विभाग की रिपोर्ट कार्ड और उपलब्धियों को पेश करती, लेकिन वो उससे बचती रही, विफल रही। जब ऐसा नहीं किया तो विपक्ष के तौर पर हमने उनकी जवाबदेही तय करने की ठानी, जिसके तहत कांग्रेस नेता जयराम रमेश जी ने सिलसिलेवार मुद्दों पर ट्वीट करके देश की महिला बाल विकास मंत्री को उकसाया, और वो उकसाने पर आई हमें इस बात की खुशी है, और उन्होंने भी ट्विटर के माध्यम से अपने जवाब पेश किए। उम्मीद की जा रही थी कि वो ट्विटर ना खेले, एक प्रेस वार्ता कर दे, सारे तथ्य, सारी जानकारी, सारे आंकड़े वो देश के सामने पेश करे, लेकिन वो ट्विटर खेलती रही। ठीक उसी तरह जिस तरह से बीच कोविड लॉकडाउन में बच्चे, महिलाएं पूरी तरह से सड़कों पर थे, पीड़ित थे, और देश की महिला बाल विकास मंत्री अंताक्षरी खेल रही थी ट्विटर पर। वो लॉकडाउन में अंताक्षरी खेलने में व्यस्त थी, इसलिए पीड़ा बच्चों की हो या महिलाओं की दिखी नहीं, और आज भी वो ट्विटर खेल रहे। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।